नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसार इंडिया लिमिटेड के ऊपर। तो ये बेसिकली कंपनी जो है वो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड शेयर ट्रेडिंग में इनका पार्ट है, और ये बेसिकली अभी एक पेनी स्टॉक है और ये 4.17 रुपये पे आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो इनके मार्केट कैप है वो कुछ खास मार्केट कैप नहीं है। तो जिस प्रकार से हमारा ये पेनी स्टॉक है उसी हिसाब से इसका जो मार्केट कैप है वो भी पेनी है। ऑलमोस्ट 8 करोड़ का अराउंड में इसका मार्केट कैप है। सो ऑल दो आपको जितने भी पेनी स्टॉक हैं उनका मार्केट कैप हमेशा से आपको कम ही देखने को मिलेगा, और डिविडेंड यील्ड अगर हम लोग बात करें तो डिविडेंड वगैरह नहीं देती है कंपनी, बट रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी में एक अच्छा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि 10% तक का है। सो 10% एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी होता है एज ए कंपेयर अगर हम लोग करें किसी भी बड़े स्टॉक से। एक पेनी स्टॉक 10% का दे रहा है तो एक अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी मानी जाती है। तो दोस्तों, आप इस कंपनी के बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं, कुछ अच्छी जानकारियां और कुछ ख़राब जानकारियां। तो पहली चीज़ जो अच्छी में है वो है यहाँ पे स्टॉक इज़ ट्रेडिंग 0.24 times इट्स बुक्ड वैल्यू। तो थोड़ा सा यहाँ पे बुक वैल्यू से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, और वहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20% CAGR। तो यहाँ पे ओवर ये 5 साल का है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इसका कॉन्स में अगर आप देखिए तो इसके कॉन्स में आपको देखने को मिलेगा, दो द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग अ रिपीटेड प्रॉफिट इट इज़ नॉट पेइंग अ आउट डिविडेंड। तो इस स्टेटमेंट में आपको ये समझाया जा रहा है कि यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है बट वो डिविडेंड में इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है। सो ऑल दो हमें चाहिए कि आप हमें किसी भी एक पेनी स्टॉक से डिविडेंड अगर हम उसे लेंगे तो बहुत मतलब वो एक तरीके से एक्सेप्शनल चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो अब हमें तो वही चाहिए एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक आपका भी मतलब ये स्टेटमेंट उतनी अच्छी नहीं लग रही है इस स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग इज़ लो है प्रमोटर की होल्डिंग 0.3% और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी है वो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.81% की है पास्ट 3 ईयर से। अब गाइज अगर आप देखिए तो जो अर्निंग है ये अदर इनकम्स ऑफ इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹30 करोड़। तो यहाँ पे अर्निंग को इंक्लूड किया गया, जो भी इनकी अदर इनकम है उसको भी इंक्लूड करके इनका जो अर्निंग है वो 30 करोड़ के अराउंड है। तो 30 करोड़ ऑलमोस्ट अच्छा ही है एज ए कंपेयर अगर हम करें पेनी स्टॉक। तो अगर हम लोग बात करें इनके साथ की कंपनियां किस टाइप की होंगी तो यहां पे आप कुछ लिस्ट देख पा रहे हैं, जैसा कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिशर, SBI कार्ड, चोलामंडलम, बजाज हाउसिंग, बजाज होल्डिंग्स। तो यहां पे बहुत सारे हैं जो कि बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। तो उन्हीं टाइप की ये भी एक कंपनी है जो कि इस समय 4 रुपये में आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है। अगर गाइज हम लोग इनके जो स्टॉक के प्राइस का जो CAGR है अगर उसमें देखेंगे तो 10 साल से जैसे ये ड्रॉ नीचे आ रहा है वैसे वैसे इसका आप देखेंगे कि जो लॉसेस थे ये ग्रीन में मतलब ये प्रॉफिट में एक तरीके से इनका जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही हैं। और वहीं अगर आप ग्रोथ कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये धीरे धीरे करके नंबर इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है, जैसे आप डाउन द ये कॉलम आएंगे। और अभी अगर आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी आपको इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो कि एक पेनी स्टॉक को दिखा रही है कि आगे आने वाले टाइम में ये एक अच्छी, जैसे कि दो सड़क है तो यहाँ पे एक सड़क आपकी इस डायरेक्शन में है, दूसरी इस डायरेक्शन में है। तो जो बेटर वे है वो ये इंडिकेट कर रहा है, और ये इसी तरीके से ये दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ कर सकता है। सो एनीवेज हम लोग थोड़ी और जानकारियाँ देखते हैं इस स्टॉक के बारे में। सो बोरोइंग अगर आप देखेंगे तो बोरोइंग यहाँ पे बढ़ी हुई है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो बोरोइंग है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 50, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो गई है। तो थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए थी, बट नो डाउट कि अगर ये पैसा अगर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उसका यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तब इनको उस हिसाब से प्रॉफिट भी नहीं होता। और ऑल दो ये और डेप्थ में जाते बट ठीक है,
देखते हैं कि आगे क्या हमें डेटा मिलता है। एक दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इनका ईपीएस है, ईपीएस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रही है। ये लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है -2.32 था, फिर नेक्स्ट में 0.10 हुआ माइनस में, फिर ये बढ़ गया, फिर ये प्रॉफिट में हो गया, फिर उसके बाद ये माइनस में गया, फिर प्लस में गया। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग पूरा कंक्लूज़न करें, जो इसार इंडिया लिमिटेड है, इसमें अगर आप कंक्लूड करेंगे तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी कि इसका जो CAGR है, और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और आपका ये जो थोड़ा सा जो कंपाउंडिंग ग्रोथ वाला है वो भी फैक्टर अगर आप मिला दीजिए तो ये एक स्टार कंपनी आगे आने वाले टाइम में हो सकती है। अगर हम इसके जो डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इसार बेसिकली अभी अगर आप जैसा कि मैंने दिखाया, इसमें फ्लक्चुएशन जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, बहुत ज़्यादा इसमें जो इसके चीज़ें हैं, मतलब जो डेटा है वो काफ़ी वॉलेटाइल आपको देखने को मिल रहे हैं चार्ट जो हमें अभी हम लोग ने फंडामेंटल एनालिसिस की है। तो इस प्रकार से आप इसमें थोड़ा सा मतलब रिस्क ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफरेबल नहीं रहेगा। सो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है 2000 रुपये आप अपना डाल सकते हैं। ये आप 2000 रुपये आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आपका 10 दिन मतलब इसको पार्ट पार्ट में करके डालिए, आप एक साथ पूरा इन्वेस्टमेंट मत करिए, तो 2000 रुपये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।